हेलो फ्रेंड्स, यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू फाइंड न्यू अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय चैनल टीजी टीच सम नोट्स, माय सेल्फ सोर्सिंग। टुडे वी विल लर्न अबाउट राइट यूज ऑफ विद प्रीपोजिशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एट, इन और इनटू प्रीपोजिशन का राइट यूज देखा था। आफ्टर दिस वीडियो All confusion will be solved to the right use of with. Now let's start our video. With preposition. With preposition का प्रयोग कहां करते हैं, आइए इसको हम step by step rules देखते हैं कि इसका प्रयोग हम सही और सटीक कहां करेंगे। Rule first कहता है कि with preposition का प्रयोग हम लेकर, के साथ या साथ साथ के अर्थ में करते हैं। Example है, शुभम अपने भाई के साथ लखनऊ गया। शुभम अपने भाई के साथ लखनऊ गया। यहां देखिए के साथ इस ट्रांसलेशन में यूज हुआ है, तो इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, शुभम वेंट टू लखनऊ विद हिज ब्रदर। यहां विद का प्रयोग हमने किसके लिए किया, के साथ के लिए किया। तो हमने आपको इस रूल में क्या बताया कि विद का प्रयोग हम लेकर, के साथ या साथ साथ के अर्थ में करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं अपने मित्र को लेकर यहां आया। यहां देखिए लेकर वर्ड आया है, इसलिए इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो लेकर की इंग्लिश क्या लिखेंगे, विद लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई केम बैक विद माई फ्रेंड। तो यहां विद का प्रयोग किसके लिए किए, लेकर के लिए की, ठीक है ना। अब आइए हम विद के यूज में रूल नंबर सेकंड देखते हैं कि रूल नंबर सेकंड में विद का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है कि विद प्रीपोजिशन का प्रयोग हम के बावजूद या के रहते हुए भी के अर्थ में करते हैं। एग्जाम्पल है, धन दौलत होने के बावजूद भी वह दुखी है। धन दौलत होने के बावजूद भी वह दुखी है। तो यहां के बावजूद जो वर्ड आया है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट ट्रांसलेशन क्या होगा, विद ऑल वेल्थ ही इज अनहैप्पी। ये इसका ट्रांसलेशन बनेगा। यहां जो विद का हमने प्रयोग किया, इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है बावजूद भी। आइए हम रूल नंबर सेकंड में ही एक एग्जांपल और देखते हैं, वह असहाय होते हुए भी उसकी मदद करता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, विद हेल्पलेस ही हेल्प्स हिम। यहां हम असहाय होते हुए भी सब जो आया है, इसके लिए हम किस वर्ड का यूज किया, इंग्लिश में विद का प्रयोग हमने किया है। तो ये भी हमारा रूल नंबर सेकंड के अनुसार हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रूल नंबर थर्ड देखते हैं और देखते हैं कि विद का प्रयोग हम और कहां कर सकते हैं। तो रूल नंबर थर्ड कहता है, विद का प्रयोग हम से या के सेंस में करते हैं, लेकिन किसके लिए, जब हम से या के का प्रयोग किसी टूल्स या किसी इंस्ट्रूमेंट से पहले करते हैं, तो उस सेंस में हम यहां विद का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसीलिए हम यहां एग्जाम्पल आपको नीचे एक दो करकर जो भी होता है देते चल रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल है, वह कलम से लिखता है। यहां देखिए कलम, कलम से लिखता है, तो यहां कलम क्या यंत्र है लिखने का, ठीक है ना। तो वह कलम से लिखता है, कलम के बाद क्या है, से आया है, तो यहां से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कि राइट विद पेन, ठीक है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, तुम चाकू के द्वारा आम काटते हो। तुम चाकू के द्वारा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यू कट मैंगो विद अ नाइफ। यू कट मैंगो विद अ नाइफ, ये इसका राइट ट्रांसलेशन है। क्यों, क्योंकि नाइफ क्या है, नाइफ यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया, विद का प्रयोग किया है। लेकिन रूल नंबर थर्ड में ही यह जान लेना जरूरी हो जाता है कि से के लिए विद का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। लेकिन यदि से का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो, तो वहां हम विद का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वहां किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है, वह स्याही से लिखता है। ध्यान दीजिएगा, वह स्याही से लिखता है। यहां जो स्याही है, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। स्याही को तो गिना नहीं जा सकता, इसलिए क्या है, अनकाउंटेबल है। इस लेकिन से आया है, तो यहां किसका प्रयोग करेंगे, इनका। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही राइट्स इन इंक। इस तरीके से हम
विद का प्रयोग रूल नंबर थर्ड के अनुसार करेंगे। अब हम रूल नंबर थर्ड के बाद अपने रूल नंबर फोर पे चलते हैं और देखते हैं कि विद का प्रयोग और हम कहां कर सकते हैं। तो रूल नंबर फोर कहता है विद का प्रयोग हम से के अर्थ में कॉज बताने के लिए करते हैं। कॉज मतलब कारण, ठीक है ना, किसी कारण को बताने के लिए हम से के अर्थ में विद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है तुम्हारा चेहरा आंसुओं से काला है, ठीक है ना, इतने आंसू बहे हैं कि तुम्हारा चेहरा क्या हो गया है, काला हो गया है। तो इसके लिए यहां से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा योर फेस इज ब्लैक विद टीयर्स, ये इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम रूल नंबर फोर के बाद रूल नंबर फाइव देखते हैं कि विद का प्रयोग और हम कहां कर सकते हैं। तो रूल नंबर फाइव क्या कहता है कि विद का प्रयोग हम मैनर, मैनर मीन्स तरीका बताने के लिए भी करते हैं। जी हां, मैनर बताने के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है वह साहस से लड़ा, वह साहस से लड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि उसके लड़ाई करने का जो तरीका है वो क्या है, साहस के साथ उसने लड़ा था, साहस है। तो यहां हम से के लिए विद का प्रयोग करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही फॉट विद क्रेज। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, विभिन्न सम्मान से यहां आया, तो यहां सम्मान से यहां आया, तो यहां उसके यहां आने का जो तरीका है मैनर हो क्या है, सम्मान के साथ। अर्थात यहां से के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का। तो यहां क्या ट्रांसलेशन होगा, विपिन केम हियर विद रेस्पेक्ट। इस तरीके से रूल नंबर फाइव के अनुसार हम विद का प्रयोग सटीक प्रयोग करेंगे। रूल नंबर फाइव के बाद रूल नंबर सिक्स पे चलते हैं और देखते हैं कि विद का प्रयोग और हम कैसे कर सकते हैं। तो रूल नंबर सिक्स कहता है कि विद का प्रयोग हम सहमति अर्थात इफॉर्मेशन तथा विरोध अर्थात कॉन्ट्रेरी के भाव में भी करते हैं। अर्थात सहमति और विरोध जताने के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं, ये रूल नंबर सिक्स कहता है। एग्जाम्पल से समझे, एग्जाम्पल है पाकिस्तान भारत समझौते पर सहमत था, पाकिस्तान भारत समझौते पर सहमत था। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पाकिस्तान एग्रीड विद इंडिया पैक्ट, पैक्ट मीन समझौता होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि सहमति जताने के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम इस विद प्रीपोजिशन में सबसे लास्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर सेवन क्या कहता है। रूल नंबर सेवन कहता है कि विद का प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए, लेकिन इससे वर्ब का जो अर्थ है वो फ्रेजल वर्ब बनने के बाद बदल जाता है, ये रूल नंबर सेवन कहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, लेकिन अगर ब्रेक के साथ हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा और इसका हिंदी हो जाएगा क्या, संबंध तोड़ना। इसी तरीके से हम क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद करना, लेकिन अगर इसके साथ विद प्रीपोजिशन लगाकर हम इसका फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो इसका सेंस बदल जाएगा और इसका अर्थ आएगा स्वीकार करना। एक वर्ब और लेते हैं क्रॉप, क्रॉप मतलब होता है उत्पत्ति या काटना, लेकिन अगर इसके साथ हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो इसका सेंस बदल जाएगा और इसका हिंदी में अर्थ आएगा बोना। तो हमने क्या देखा कि किसी भी वर्ब के साथ हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग कर फ्रेजल वर्ब बनाते हैं लेकिन उसका सेंस बदल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।